उत्तरी कश्मीर के बारमूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ बंकर पर बुरका पहन हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। बुधवार को आईपीजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हमला करने वाली महिला है जिसकी पहचान कर ली गई है। उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ बंकर पर बुर्का पहन हमला करने वाली महिला लश्कर ए तैयबा की ओवर ग्राउंड वर्कर है और पहले भी कुछ आपराधिक मामलों में शामिल पाई गई। इसकी धरपकड़ के लिए पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में मंगलवार शाम बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल पंप से हमला कर दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को सोपोर के मुख्य चौक पर बुर्का पहने एक महिला ने सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल पंप फेंका था। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बुर्का पहनकर एक महिला आती हुई दिखाई दे रही है। वो रुकती है और अपने बैग से पेट्रोल पंप निकालती है। इसके बाद सीआरपीएफ बंकर पर फेंक देती है और तेजी से भाग जाती है। वहां मौजूद जवानों ने बंकर में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाया। जिस समय हमला हुआ उस दौरान वीडियो में देखने से ये नहीं पता चल रहा था कि हमलावर पुरुष था या महिला। हालांकि बाद में जांच के दौरान ये पुष्टि हो गई है कि पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला ही थी। इस तरह की और जानकारी से अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।